क्रिकेट में जब रोमांच चरम पर होता है तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले के दौरान देखने को मिला। अपने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस के राजस्थान रॉयल्स को शिक्षा देकर आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। टाइटंस की ये जीत बेहद खास रही। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे 1 लाख से ज्यादा दर्शक इस शानदार जीत का गवाह बने। 130 के रन लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस को 19वें ओवर की पहली गेंद पर शुभगमन गिल ने छक्का ठोक जीत दिलाई। ओबेड मैक्वाय की गेंद पर शुभगमन ने डीप स्क्वायर लेग पर करारा छक्का ठोक दर्शकों की नसों में रोमांच भर दिया। जी हां, आपको बता दें, इस जीत के बाद गिल खुशी से झूम उठे। वहीं डेविड मिलर ने हाथों से बल्ला हेलमेट छोड़ दिया और गिल की गोद में जाकर बैठ गए। डेविस खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये वही डेविस थे जिन्हें आईपीएल की नीलामी के पहले दिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन इस सीजन में उन्होंने कई मैच विनिंग पारी खेलकर टीम को शानदार जीत दिलाई है। फाइनल के इस अहम मुकाबले में शुभगमन गिल ने कहा कि 43 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का ठोक 45 रन की नाबाद पारी खेलो तो वही डेविड मिलर ने एक बार फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। मिलर ने 19 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का ठोक नाबाद 32 रन बनाए। जी हां, आपको बता दें, गुजरात टाइटंस की जीत की खुशी में बीसीसीआई सचिव जय शाह और एक्टर रणवीर सिंह झूम उठे। जय शाह ने स्टैंड्स में खड़े होकर तालियां बजाई और टीम को चीयर किया, तो वहीं रणवीर सिंह ने अपने अलहदा अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। वहीं जीटी के कप्तान हार्दिक पांड्या भी इस जीत से गौरवान्वित नजर आए। रिपोर्ट आईपीएन।